दोस्तों स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल पे नॉलेज पे। इन फिल्म का शेयर जो है क्या करना चाहिए, मतलब ये शेयर क्या यहाँ से जो इसका प्राइस है, जो मतलब नॉर्मल देखेंगे तो इसके जो 40-52 का प्राइस है जो कि 40 रुपीज के आसपास ये शेयर पहुंचा था, तो वहां से शेयर ये बहुत ज्यादा डाउन हुआ है। और इसका स्पिन ऑफ का अपडेट आया तो शेयर का प्राइस जो और ज्यादा डाउन हुआ है स्पिन ऑफ के चलते। तो क्या ये शेयर यहाँ से एक बाउंस बैक दे सकता है इन्फीबीम को लेके दोस्तों बहुत सारे अपडेट्स है मार्केट में। इन्फीबीम के मैनेजमेंट यहाँ पे कॉर्पोरेशन मतलब माफ कीजिए जो कॉर्पोरेट एक्शन से बहुत सारे लिया है इन्फीबीम के मैनेजमेंट में, फिर भी ये शेयर उतना ज्यादा एक रिटर्न नहीं बना रहा है। हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स रहेगा ये शेयर में ज्यादा प्राइस में खरीद लेकर रखा है। कुछ दिन पहले ये शेयर का प्राइस लगभग 30-132 रुपीज तक पहुंचा था। तो क्या चल रहा है इन्फीबीम एवेन्यूज के शेयर में? इन्फीबीम एवेन्यूज लिमिटेड इस कंपनी का शेयर क्या यहाँ से तेजी बना सकता है? टेक्निकली इन्फीबीम का शेयर कैसा है, इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। दोस्तों रिक्वेस्ट करते हैं वीडियो पे पूरा बने रहिए, कभी भी स्किप मत कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल फिनोइज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। शेयर मार्केट से जुड़े कंटेंट पाने के लिए सब्सक्राइब आपके लिए फ्री है, हमें बहुत सपोर्ट होता है। इन्फीबीम का जो शेयर का प्राइस है अभी 28.11 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है। एक दिन में ये शेयर का प्राइस 1% के आसपास डाउन हुआ है। और वही दोस्तों बात करते हैं, एक हफ्ते में 0.4% के आसपास शेयर में रिटर्न दिया है और 1 मंथ में देखेंगे तो 10.8% के आसपास शेयर का प्राइस डाउन हुआ है दोस्तों इन्फीबीम का। कंपनी का जो है अभी देख सकते हैं यहाँ पे इन्फीबीम जो है इसको एक वैल्यू स्टॉक अंडर रेडर पे कहा जा रहा है। ये कंपनी का शेयर जो है इन्फीबीम का इन्फीबीम एवेन्यूज का एक अंडर रेडर पे, क्योंकि इसका अगर देखते हैं तो इतने सारे कॉर्पोरेट एक्शंस के अपडेट्स आए मार्केट में। कंपनी जो है यहाँ पे इसका जो अभी एक रिसेंट अपडेट है इन्फीबीम का जो कि बहुत जबरदस्त कंपनी को फायदा कर सकता है। तो कंपनी जो यहाँ पर रेडिफ पे करके जो यूपीआई एप्लीकेशन है वो एक मार्केट में लॉन्च कर रहा है, जहां पे कंपनी जो है रेडिफ पे से यूपीआई ट्रांजेक्शन का मतलब जो है इसमें जो है बेनिफिट डालेगा। और देखेंगे तो इंश्योरेंस लोन ये बहुत सारे फाइनेंशियल प्रोडक्ट जो उसमें ऐड कर सकता है। अभी रेडिफ पे क्यों इसने मतलब यहाँ पे शुरू कर रहा है, क्योंकि अगर देखेंगे तो फाइनेंस मतलब जो फाइनेंस मिनिस्टर इंडिया का उनके ओर से एक अपडेट आया कि जो यूपीआई ट्रांजेक्शन से हुआ है 2024 में वो ट्रिलियन के आसपास है। तो बहुत ज्यादा एक बोल सकते कि अमाउंट जो अभी यूपीआई ट्रांजेक्शन में जा रहा है, मतलब यूपीआई ट्रांजेक्शन लोग जो ज्यादा यहाँ पे कर रहा है, तो जिसका एक फायदा इन्फीबीम लेना चाहते हैं। अब इन्फीबीम जो है जो रेडिफ पे को इसने एक्वायर किया 54% के आसपास जो स्टेक इसने एक्वायर किया था, तो उसमें अगर देखेंगे तो रेडिफ के rediff.com जो है उसका जो मतलब बोल सकते मंथली जो विजिटर्स है उसके वेबसाइट पे rediff.com का जो कि मिलियंस में है, और अगर देखेंगे तो 70 मिलियन के आसपास शायद से या फिर 70 लाख के आसपास जो कंपनी का जो बोल सकते कि जो रजिस्टर्ड जो बोल सकते कि ईमेल एड्रेस है। तो एक फायदा जो है मार्केट में रेडिफ का जो बोल सकते कि ब्रांड का जो नाम है उसका फायदा रेडिफ का जो यूजर्स है और यहाँ पे इन्फीबीम का जो डिजिटल मार्केट में एक्सपीरियंस है, दोनों मिला के कंपनी ने यहाँ पे रेडिफ पे का जो फायदा है वो हो सकता है आगे कंपनी को इन्फीबीम को। अभी यहाँ पे कंपनी का जो बोल सकते ड्यूरेबिलिटी है 65 है आउट ऑफ 100, वैल्यूएशन जो है 53.20 है आउट ऑफ 100, मोमेंटम की बात करते 30.70 है आउट ऑफ 100। दोस्तों कंपनी अभी यहाँ पे मतलब इन्फीबीम जो यहाँ पे 1 मंथ में इन्फीबीम के शेयर ने जो हाई प्राइस बनाया 32.36 पैसे का और 1 मंथ पे जो लो प्राइस है 26.80 पैसे का। वही दोस्तों बात करते हैं, एक हफ्ते का जो हाई प्राइस है 28.77 पैसे का और एक हफ्ते का जो लो प्राइस है 26.80 पैसे का। और यहाँ पे एक दिन का देखते हैं तो 28.75 पैसे का शेयर ने एक हाई प्राइस बनाया और लो प्राइस बनाया 27.80 पैसे का। कंपनी का जो अभी ओडिग्मा सॉल्यूशन जो है इसको अलग से मार्केट में लिस्ट करने का जो अपडेट आया, जिसके चलते अगर देखेंगे तो शेयर का प्राइस जो है बहुत ज्यादा डाउन हुआ है। मतलब मार्केट में ओडिग्मा सॉल्यूशन का जो यहाँ पे लिस्ट करने का इन्फीबीम ने बात किया और देखेंगे तो मार्केट में उतना ज्यादा इसका रेस्पॉन्स नहीं मिला, मतलब जो शेयर में तेजी है वो बनता हुआ नहीं देखने को मिला, शेयर का प्राइस डाउन हुआ स्पिन ऑफ जो हुआ इसका। तो हम यहाँ पे देखते हैं मतलब ये जो शेयर स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर है एंड अंडर रेडर पे है इन्फीबीम। म्यूचुअल फंड जो है स्टेक यहाँ पे इंक्रीज किया है इन्फीबीम में, कंसिस्टेंट हाईएस्ट रिटर्न स्टॉक से ओवर 5 इयर्स निफ्टी 500 का, राइजिंग नेट कैश फ्लो एंड कैश जो कंपनी का देखते हैं तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से जो इन्फीबीम का अच्छा खासा कैश यहाँ पे बोल सकते कि इंक्रीज हो रहा है। एनुअल प्रॉफिट ग्रोथ की बात करते हैं इन्फीबीम का जो कि सेक्टर प्रॉफिट ग्रोथ से हाई है, ज्यादा है, जो कि बहुत ही सही है कंपनी के लिए। कंपनी का जो यहाँ पे देख सकते जो इसका नेट प्रॉफिट है वो बहुत ही जबरदस्त इंक्रीज हो रहा है। इफेक्टिवली जो
कंपनी यहाँ पे इन्फीबीम शेयर होल्डर्स के जो फंड्स हैं वो यूज कर रहे हैं। कंपनी का आरओई यहाँ पे पिछले 2 साल से सही चल रहा है एंड यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है आरओई एंड ग्रोथ जो है इसका कंपनी का नेट प्रॉफिट जो है विद इंक्रीजिंग प्रॉफिट मार्जिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो है नेट प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी का इंक्रीज हो रहा है। कंपनी की बात करते हैं यहाँ पे नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है जो की एक लो डेब्ट कंपनी है। देखिए अभी मार्केट में देखेंगे तो मतलब बहुत सारे ऐसे कंपनीज रहते हैं जो लो डेब्ट है या फिर बहुत सारे कंपनीज रहते हैं जिसका डेब्ट बहुत ज्यादा है। अभी इन्फीबीम जो यहाँ पे क्या कर रहा है बहुत सारे एक्विजिशन का भी इन्फीबीम का अपडेट आया। इन्फीबीम जो यहाँ पे एक्विजिशन भी कर रहा है और इसका डेप्थ भी कुछ खास नहीं है कंपनी का। मतलब ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स बोल सकते हैं कि मेजर पॉइंट्स है जिसके चलते बोल सकते हैं कि फंडामेंटली कंपनी यहाँ पर सही है, फाइनेंशियली कंपनी सही है, कंपनी का डेप्थ यहाँ पे नहीं है, लो डेप्थ कंपनी है, कंपनी एक्विजिशन कर रहा है, बिजनेस एक्सपेंड जो मेन होता है कोई भी बिजनेस के लिए तो बिजनेस एक्सपेंशन यहाँ पे कंपनी कर रहा है। इन्फीबीम एआई को लेके इन्फीबीम ने बहुत सारे इन्वेस्टमेंट किया है। इसका अगर देखेंगे तो कंपनी को जो है इन्फीबीम को जो है मतलब एनुअली लगभग 1 मिलियन का एक कॉन्ट्रैक्ट भी मिला है एआई का। अभी जो रिसेंट इसको कॉन्ट्रैक्ट मिला है एंड यहाँ पे देखते तो कंपनी का जो नेट कैश है कंपनी का नेट कैश जो है पिछले 2 साल से यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। एनुअल नेट प्रॉफिट की बात करते हैं पिछले 2 साल से यहाँ पे एनुअल नेट प्रॉफिट कंपनी का जो यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है एंड कंपनी विद जीरो प्रोमोटर प्लेज है। तो यहाँ पे देखिए कंपनी के जो मतलब स्टेक्स है प्रोमोटर्स का यहाँ पे कुछ भी प्लेज नहीं है कंपनी के प्रोमोटर। म्यूचुअल फंड ने स्टेक यहाँ पे इंक्रीज किया है। कंपनी का यहाँ पे ओवरऑल जो इन्फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स बोल सकते हैं कि इन्फीबीम में देखने को मिल रहा है जिसके चलते ये शेयर जो है आगे चल के तेजी बना सकते हैं, फिर लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे शेयर में तेजी बन सकता है। तो अभी यहाँ पे कंपनी का जो इन्फीबीम का देखते हैं मतलब यहाँ पे कुछ दिन पहले जो केआर चोस्की की ओर से इन्फीबीम के शेयर को लेकर एक टारगेट प्राइस दिया गया है दोस्तों जो की 36 या 37 रुपीज का एक टारगेट प्राइस दिया गया है केआर चोस्की की ओर से इन्फीबीम के शेयर को लेके। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करते हैं इन्फीबीम का 742.5 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। टेक्निकली बात करते हैं इन्फीबीम के शेयर को लेके, देखिए टेक्निकली जो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है इन्फीबीम का जहाँ पे बोल सकते हैं कि शेयर जो एक बेयरिश पैटर्न बनाता हुआ देखने को मिल रहा है, मतलब टेक्निकली शेयर जो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है इन्फीबीम का भी। आरएसआई इंडिकेटर कह रहा है जो शेयर है ना कि ओवरबॉट लेवल पे है ना कि ओवरसोल्ड लेवल पे है। मैग्डी इंडिकेटर कह रहा है जो शेयर है एक बेयरिश पैटर्न बनाता हुआ देखने को मिल रहा है, मतलब बोल सकते हैं कि ओवरऑल जो शेयर जो है फिलहाल अभी एक बेयरिश पैटर्न मतलब शेयर में जो अभी उतना ज्यादा कुछ तेजी नहीं बनता हुआ देखने को मिल सकता है। थोड़ा समय मतलब ये शेयर जो हो सकता है कि 27-28 के बीच में जो शेयर ट्रेड हो उसके बाद जो है शेयर में एक तेजी बन सकता है, 30-32 तक शेयर पहुंच सकता है। अभी देखिए जो केआर चोस के उनके ओर से जो टारगेट प्राइस दिया गया है जो कि 36 या 37 रुपीज का एक टारगेट प्राइस दिया गया है, हमें लगता है कि ये टारगेट प्राइस दोस्तों इसके लिए थोड़ा समय यहाँ पे आपको जो है थोड़ा समय यहाँ पे रुकना पड़ सकता है इस शेयर में। अभी शेयर होल्डिंग की बात करते हैं, देखिए प्रोमोटर्स जो है प्रोमोटर्स के पास 27.43% का स्टेक है इन्फीबीम का, एफआईएस के पास 6.57% का स्टेक है, म्यूचुअल फंड के पास 0.09% का स्टेक है और पब्लिक के पास 65.48% का स्टेक है। इन्फीबीम का जो एक एवरेज शेयर का जो एक एवरेज टारगेट प्राइस दिया गया है इन्फीबीम का जो कि 37.60 पैसा है, ये एक एवरेज ब्रोकर टारगेट प्राइस है इन्फीबीम के शेयर को लेके। शेयर मार्केट के जो एनालिस्ट है उसमें से एक ऐसे एनालिस्ट है जिन्होंने इन्फीबीम के शेयर को लेकर रिसर्च किया है और उनको लगता है कि शेयर में जो है बाई करके चल सकते हैं। देखिए अभी जो रिसेंट कुछ अपडेट्स हम लोग को देखने को मिला है इन्फीबीम को लेकर कुछ दिन में आया है मार्केट में रिसेंट कुछ अपडेट्स इन्फीबीम का जिसके चलते ये शेयर जो है बहुत ज्यादा न्यूज में आया है। इन्फीबीम कंपनी यहाँ पे Rediff.com का 54% स्टेक एक्वायर किया है। कंपनी यहाँ पे एआई को लेकर बहुत सारा इन्वेस्ट कर रहा है। इन्फीबीम देखते हैं तो इंडिया के बाहर भी ऐसे बहुत सारे कंट्रीज है जहाँ पे इसका जो बिजनेस है यहाँ पे एक्सपेंड कर रहा है और यहाँ पे Rediff पे करके जो है कंपनी यहाँ पे यूपीआई एक एप्लीकेशन लॉन्च कर रहा है। तो ऐसे बहुत सारे मार्केट में अपडेट्स आया है। आपको कैसा लगता है दोस्तों इन्फीबीम का शेयर जरूर आप हमें कमेंट करके बताइए। उम्मीद है जो भी इन्फॉर्मेशन दिया है अच्छा लगा रहेगा, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए।